लास्ट क्लास दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। एक छोटा सा मैं रिवीजन एक्सरसाइज सेट किया हूं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा सा बनाना है और सोच के बनाना है, समझ के बनाना है, ठीक है ना, ताकि जितनी पढ़ाई हो रही है उसे क्वाइट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बना लेंगे। अब वो क्वेश्चंस बनाने से फायदा बेटा ये होगा आपको, देखो मैं जितने भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा दे आर ऑल बोर्ड लेवल क्वेश्चंस एंड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बनाने के बाद आपके बोर्ड की क्वाइट रिविजन अच्छी हो जाएगी, स्कूल एग्जामिनेशन में चिंता करने का तो कोई बात ही नहीं है फिर, और ओलंपियाड के भी सारे क्वेश्चन। तो आई रिक्वेस्ट यू, चलो आते हैं क्वेश्चन की ओर, और सारे बच्चे एक ही बार मत बोलने लगना, एक ही करके आंसर। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्लोरेट, क्लोरेट का सिंबल क्या होता है और उसकी वैलेंसी क्या होती है, सॉरी इट शुड नॉट बी क्लोरेट, इट क्लोराइड होना चाहिए, ओके। यदि क्लोराइड है, यस, क्या बोलना चाहिए, क्लोराइड रखना चाहिए कि क्लोरेट का ही बताओगे, क्लोरेट ही का बताओ, चलो क्लोराइड में हाइपो क्लोराइड आ जाता है, क्लोरेट का ही बताओ, कोई बता सकते हैं मुझे सिंबल क्लोरेट का क्या होगा? CLO3, CLO4, CLO3, पर क्लोरेट का होता है CLO4, ठीक है ना, पर क्लोरेट का CLO4, और पर हट जाता है तो एक ही ऑक्सीजन का, ठीक है ना, पर क्लोरेट इज CLO4 एंड क्लोरेट इज CLO3 माइनस, ओके, CLO3 माइनस मतलब इसकी बैलेंसी क्या होगी, वन ही हो जाएगी, ठीक है ना, पर क्लोरेट होगी CLO4, ध्यान रखिए पर क्लोरेट CLO4, क्लोरेट CLO3, ठीक है ना, फिर आ जाती है क्लोराइड, हो जाएगी CLO2 माइनस एंड हाइपोक्लोराइड इज CLO माइनस। फॉस्फाइड कोई बताए मुझे, फॉस्फाइड पी सर पी नॉर्मली वी राइट इट एज P3 माइनस वैलेंस पी हो जाएगी, फॉस्फाइड आए अपनी बात करेंगे। जिंकेट का कोई मुझे बताएगा क्या, नहीं आता मैम, ZnO2, ZnO2 सर, जिंकेट ZnO2 2 माइनस एंड वैलेंस पी इज बोरेट, कोई मुझे बोरेट का बताएगा, बोरेट का क्या होगा, BrO3, BO3 सर, BO3 माइनस और वैलेंसी होती है 3। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है सर, जिंकेट तो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना ही है, ओके, जिंकेट पढ़नी है, फॉस्फाइड पढ़नी है, बोरेट तो आपके सिलेबस में है स्कूल के लिए, तो ये तो आपको करना ही होगा मैं, ओके। चलिए बात करते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हैं इनका फॉर्मूला आपको बताना है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, एनीबॉडी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला बता सकते हैं, HNO2, वेरी गुड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, ओके, नाइट्रिक एसिड HNO3, और अब जो नेक्स्ट आंसर आएगा अभिजीत को छोड़ के, अभिजीत बहुत ज्यादा आंसर आपने दे दिया, बोरिक एसिड, एनीबॉडी कोई मुझे बोरिक एसिड का बता सकता है, एनीबॉडी बोरिक एसिड, कोई भी HBO3 बोरिक एसिड, H2SO4 नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4, लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड,
H2S नहीं सिर्फ HS हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड इज HS ठीक है। ए इनका नाम ए से है अपने माइटोकॉन्ड्रियल जो भी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है बीच में एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ क्या होना चाहिए एरो एरो येलो प्रेसिपिटेट लेड कंपाउंड लेड का एक येलो प्रेसिपिटेट जो बनता है DI2 PbI2 लेड आयोडाइड रखनी रखनी लगता है रखने का अंकित कुमार भाव्या सिंह प्लीज अपने माइक को बंद कीजिए आप लोग अंकित कुमार एंड भाव्या सिंह माइक बंद कीजिए द सिंबल फॉर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर एक्वस एक्वस एक्यू एक्यू डॉट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज डैश रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यस वेरी गुड कॉम्बिनेशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन To increase the rate of chemical reaction, surface area of reactant, यहाँ पे missing है, surface area of a solid reactant, यहाँ पे होना चाहिए of solid reactant can be reduced. इंक्रीज और डिक्रीज यस कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बट आप एग्जाम में ऐसे ऊपर एरो डाउन एरो मत देना पर कोई काटेगा नहीं ये रिकमेंडेशन है आप अपवर्ड एरो यूज कर सकते हो फॉर इंक्रीजिंग एंड डाउनवर्ड एरो फॉर डिक्रीजिंग ओके बट आप इंक्रीज लिख देना सर ठीक है कैटलिस्ट सर को सर बोलिए कैटलिस्ट सर सर कैटलिस्ट सर कोई भी रिएक्शन में सर खत्म क्यों नहीं होता है सर अच्छा, अनअफेक्टेड रहता है देखो कैटलिस्ट का प्रेजेंस ओनली द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है ना इट डज नॉट इटसेल्फ गेट कम जो होता है कि कंज्यूम्ड नहीं होती है रिएक्शन ओके जैसे क्या होता है सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं हेलो पढ़ाई करते हो पापा घर में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा से पढ़ाई होती है जस्ट उनके प्रेजेंस में वो घर में नहीं रहेंगे पढ़ाई अच्छा नहीं होता क्यों पापा क्या पढ़ाई कर लेते हैं नहीं ना पढ़ाई तो आपकी नहीं की बट इट सिंपल है और इसकी डेप्थ में जाना है कि कैटलिस्ट क्यों इंक्रीज करती है तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जो आपके लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर है ठीक है ना कभी हम लोग डाउट क्लास में बैठेंगे तो इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ ये सब जिक्र की जाती है बट हायर क्लास की ये सब चीजें ये रहने दें क्यों कैटलिस्ट चेंज नहीं होता ये तो पक्की बात है क्योंकि कैटलिस्ट कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता कैसे करता है कैटलिस्ट वो समझने के लिए थोड़ा आपको हाई लेवल पर जाना पड़ेगा सो हमने बात को सुन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात बताइएगा मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ थोड़ा और बड़ा लिखूं कि ठीक है
ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आज अपने टॉपिक को हम लोग आगे ले जाते हैं। पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज तो सिर्फ पढ़ा जाता है, दैट इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। हम लोग पढ़ेंगे सम सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड देयर रिएक्शन। कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को भी हम लोग देखेंगे और उसके रिएक्शंस को भी हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, दैट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे हम लोग इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, कॉमन नेम इज क्विक लाइम। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम भी बोला जाता है। गॉट इट? और एक इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखना है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स आल्सो नोन एज लाइमस्टोन। ठीक है बेटा, अब कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में आपको जानना है, इट्स व्हाइट सॉलिड। ये कैसा होता है? व्हाइट सॉलिड होती है, ठीक है ना। बट यदि आप चाहो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट दिमाग में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी के लिए, बट आप रख सकते हो 2870 केल्विन, 2870 केल्विन इसकी होती है मेल्टिंग पॉइंट। ये व्हाइट सॉलिड कैसा होता है? व्हाइट सॉलिड। वहीं इसके बारे में बात की जाए तो बहुत बच्चे के दिमाग में आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब पानी में घुला होगा। नहीं बेटा, ऐसा चीज नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट कलर की पाउडर होती है, ठीक है ना, व्हाइट पाउडर। जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हल्का फुल्का पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी पाउडरी फॉर्म की हो जाती है, दैट इज व्हाइट पाउडर। और कैल्शियम कार्बोनेट तो आप लोग जानते हैं, वो मार्बल या लाइमस्टोन जो है, मार्बल घर में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है एंड वाटर। यदि आप वाटर ऐड कर दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा सकती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है। और क्या है, यदि डायरेक्टली इफ आई विल से, यदि इफ आई विल से डायरेक्टली, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये छोटी सी चार्ट आप दिमाग में रख सकते। चलो हम लोग इसको समझते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा? CaOH होल। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड है, H2O लिक्विड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है? एक्वस चीज है, आप चाहे तो लिख सकते, सॉलिड लिक्विड है। ठीक है ना, मैं आप स्टेट नहीं लिखूंगा क्योंकि तो अक्सर स्टेट में जिक्र कर चुका हूँ। अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली कैल्शियम ऑक्साइड से हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाएं, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके बन सकती है कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली। वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुई, फिर भी मैं जिक्र कर दिया। बट ये कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड से कुछ रिएक्शंस हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग,
कैल्शियम ऑक्साइड एमिट्स ब्राइट लाइट. ओके, लाइम लाइट व्हेन हीटेड इन अ फ्लेम ऑफ ऑक्सीजन. और ब्राइट लाइट ऐसे नॉर्मल ब्राइट लाइट ही होती है, इंटेंस बहुत ही हार्ड ब्राइट लाइट होती है. देखो क्या होता था पहले जमाने में जो शादी वूदी होता था ना, तो वहां पे तो बिजली नहीं होती थी, तो क्या करता था यही कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करता था, वो हीट करता. ओके, और जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करोगे ना, तो बहुत ज्यादा उससे लाइट, बहुत लाइट, इंटेंस ब्राइट लाइट निकलती है, और उसे हम लोग बोलते हैं लाइम लाइट. और ये जो लाइम लाइट वर्ड आया है ना, आप सुनते होंगे, लोग बातचीत में बात करते हैं तो बोलते हैं कि लाइम लाइट में मत आओ तुम, ठीक है ना, मतलब फोकस में मत आओ. ये लाइम लाइट का जो शब्द है ये आई है इसकी ऑर्जिनेट केमिस्ट्री, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को हीट किया जाता था तो बहुत ब्राइट लाइट निकलती थी, वही ब्राइट लाइट को हम लोग लाइम लाइट. और ये कब निकलेगी, जब इसको आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फ्लेम में हीट करो, ठीक है ना. अब देखिएगा, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिडिक ऑक्साइड, विद एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर. बहुत हाई टेम्परेचर पे यदि कैल्शियम ऑक्साइड को कुछ एसिडिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए तो उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड से आप रिएक्ट करवा दोगे तो इट फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट. बेटा ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इट इज कंपाउंड कैल्शियम सिलिकेट. एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है सर? क्या बोले बेटा? एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? ये वाला SiO2 है ना, देखो क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, यदि आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है ये चीज सारे चीजों को, कि बेस यदि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, जैसे K2O हो गया, Na2O हो गया, ये सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड है. और उधर वाले कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सारे क्या हो जाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड हो जाते हैं, ठीक है ना. और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हल्का एसिडिक होता है, फीबली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं. ओके, गॉट इट. एसिडिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स. आपने पढ़ा है कि मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट इज फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. हम लोगों ने अभी देखा है. और कैल्शियम ऑक्साइड यदि रिएक्ट करेगी P4O10, इसको P4O10 को आप P2O5 भी लिख सकते हो. कैल्शियम ऑक्साइड यदि P2O5 या P4O10 के साथ रिएक्ट करेगी तो इस विल फॉर्म कैल्शियम. ओके, इट विल फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट. PO4 वैलेंसी 3 होती है, इधर है तो उधर है, ठीक है ना. ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोई डाउट है तो यहाँ पे आप पूछ सकते, ठीक है. और आप लोग को यदि जरूरत नहीं है तो माइक को ऑफ रखिएगा. अभिजीत आपका माइक ऑन है सर, ऑफ है सर. ऑफ है सर. कौन है? पढ़ने आता है तो ध्यान भी नहीं है. भव्या सिंह बेटा, आप चलिए आइए. भव्य सिंह आपका माइक फिर और ऑफ हो गया, ऑन हो गया. चलिए, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन. यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड. ओके, आई सपोज इट्स क्लियर. ओके, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज less in cold water, is more in cold water than in hot water.
भाव्या बेटा भाव्या आपका माइक ऑन है, आप प्लीज बंद करो उसे. सी हियर देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन समझो या उसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो. कैल्शियम ऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड कितना कैल्शियम ऑक्साइड घुलेगा पानी. यदि आप कैल्शियम ऑक्साइड को ठंडे पानी में मिलाओगे तो वो ज्यादा घुलता है और गर्म पानी में मिलाओगे तो वो कम घुलता है. आप लोगों ने भी ये चीज पढ़ा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड, मतलब सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है कि नमक, नमक को आप ठंडे पानी में घोलो कम घुलेगा, वही गर्म पानी में घोलो वो ज्यादा घुलेगा, ठीक है. तो ये फैक्ट को आप यदि फिलहाल दिमाग में रख लो कि कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसी चीज है जो ठंडे पानी में ज्यादा घुलती है और गर्म पानी में वो कम घुलती है, ठीक है ना. और यदि आप इसको थोड़ा सा समझना चाहते हो, देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, थोड़ा सा आपके सिलेबस से ऊपर हो जाएगा, फिर भी एक हल्का सा दिमाग में इसको समझ लो. देखो आपने ये पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन जो है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ एक एक्टिविटी में, कैल्शियम ऑक्साइड का जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस बहुत ज्यादा हीट निकलती है. चूना पत्थर को आप पानी में डालोगे तो क्या होता है, बहुत हीट निकलता है, है ना. अब देखो क्या है इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन जब आगे बढ़ता है तो सिस्टम में हीट ज्यादा आती है. ये रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए सिस्टम से हीट क्या है, निकालना है, हीट को बाहर करना है, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जबरदस्ती का और गर्म पानी है तो इस सिस्टम को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, ज्यादा हीट को निकालना पड़ेगा. जब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होती है, सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. वैसे बहुत सारे ली चैटियर्स प्रिंसिपल इत्यादि आएंगे तो उसको हम यहाँ पे अभी नहीं देखने वाले, हायर क्लासेस में देखेंगे. पर जस्ट दिमाग में रखो कैल्शियम ऑक्साइड ठंडे पानी में ज्यादा अच्छे से मिलता है कंपेयर टू गर्म पानी, ठीक है, अंडरस्टूड. सेम फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो अभी एक्वस हो गया, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दिया तो दिस इज एक्वस, ओके. बाद में यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पाउडर, व्हाइट पाउडर, इसको भी आप यदि ठंडे पानी में मिलाओगे तो ज्यादा घुलेगा कंपेयर टू गर्म पानी, ओके. सो दिस आइडिया शुड बी क्लियर विद यू. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH twice होता है, ठीक है ना. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में एक पॉइंट में लिख रहा हूं और दिमाग में एकदम क्लियर हो गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंफ्यूजन में मत रहना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एकदम सॉल्यूशन होगा पानी में मिला रहेगा, नहीं. नॉर्मली यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो इट्स व्हाइट पाउडर, ओके. द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर एंड अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम. मिल्क ऑफ लाइम, देखो ये क्या है, सॉल्यूशन मतलब क्या, बहुत ज्यादा आपने पानी यूज कर लिया, बहुत ज्यादा पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देता हूँ, हमें मिलता है लाइम वाटर. और वहीं यदि पानी का क्वांटिटी में कम रखता हूँ तो वी कॉल इट एज अ सस्पेंशन एंड दैट सस्पेंशन इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम. यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी में मिलाया जाए तो वी टेल इट एज मिल्क ऑफ लाइम, ओके. अब देखिएगा
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी एक कहानी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो ये क्या है, ये जब पानी में मिल गया, जब पानी में है ये एक्वस फॉर्म में है, तो कॉल इट एज लाइम वाटर। ये क्या है? लाइम वाटर। और लाइम वाटर से यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हो तो यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो है चीज, ये समझ रहे हो ना कि हम लोग जो घर रंगते हैं, ठीक है ना, हम लोग जो घर पेंट करते हैं, आपको चूना जो माना जाता है घर में, वो एक्चुअली इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर वाइट वॉशिंग फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्या यूज होती है? कैल्शियम। एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है बेटा, तो ध्यान से सुनो, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन यूज होती है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड मत लिख देना। आपसे पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में यूज करते हैं तब उसके बाद घूमता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वस, वो उससे हम लोग पेंट करते हैं। तो क्या है, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या इस्तेमाल होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल होती है घर को रंगने के लिए। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप घर को रंग दिए तो घर आगे नहीं चमकने लगता, एक दिन के बाद वो थोड़ा सा साइन आता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है, मतलब समझो कि एक मार्बल की थिन लेयर बन जाती है, वो चमकती है। ओके, इसके कारण साइन आता है। अंडरस्टूड? ये आपको दिमाग में इंपॉर्टेंट, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज देखो, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं और एक जगह, जस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट करने की एक तरीका क्या होता है, पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, ओके, इट टर्न्स मिल्की। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कर रहे हो, जैसे मान लो यार ये वाला मैं कंटेनर या मतलब टेस्ट ट्यूब है, ओके, इसमें मैंने लिया लाइम वाटर, ठीक है, आप मानो एक इसके थ्रू मैं यदि डालूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की, ठीक है ना। अंडरस्टूड? इसमें यदि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब देखिए, इसमें और एक कहानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो बन जाती है कैल्शियम कार्बन, ठीक है ना। और एक सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मानो कि मैंने एक डब्बा में रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा तो वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है ना। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो पहले से मौजूद है, अब क्या होता है कि बहुत देर तक ये वाला जो पास की जाती है फॉर लिटिल टाइम, ठीक है ना, बस बहुत फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन समझते हो ना, हल्के टाइम के लिए पास किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड को लॉन्ग टाइम के लिए पास करते हो, जैसे देखो ये मानो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो बना हुआ है, यदि मैं क्या करता हूं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर के लिए पास कर देता हूं तो ये बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है? कलरलेस। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, इस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाई लाइम वाटर टर्न्स colorless if
कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. यदि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पास कर दिया जाए तो क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है एंड इट्स सॉल्युबल वन. वो क्या होता है, सॉल्युबल है, मिल जाता है तो कलरलेस हो जाती है. ओके, इसको आप देख सकते हो, एक्वस मटेरियल पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गई, दिस हैज बीन आस्क्ड क्वाइट ऑफन इन द एग्जाम और बच्चे ने गलती किया है इस वाले पार्ट पे कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है. बहुत बच्चे लिख देते हैं कैल्शियम, पूछता है कि एक्वस सॉल्यूशन किसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए. तो बहुत बच्चे लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन. नहीं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है ना. और क्या होता है, प्रोसेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण चमक आती है. ये तो दीवार का कारण हो गया. और एक क्या हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड. लाइम वाटर थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब ले लो, अब कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो ये क्या हो जाएगी, मिल्की बन जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी. यदि लॉन्ग टाइम के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल. ओके, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है. तो यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं. ओके, इसको कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ जाएंगे. डीकंपोजिशन रिएक्शन, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लास्ट क्लास में देखा, आज हम लोग देखने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके, टुडे वी विल सी डीकंपोजिशन रिएक्शन. ध्यान से देखिएगा, अ रिएक्शन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू similar products. Okay, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है ना, रिएक्टेंट सिर्फ एक होती है और वो सिंपलर प्रोडक्ट्स एबीसी, अब वो टूट के बन गया ए प्लस बी प्लस सी, कितने सारे प्रोडक्ट हो गए, तीन प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं. अंडरस्टूड. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होता है और सिंपलर प्रोडक्ट में होता है. सिंपलर मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसमें, सिंपल सिंपल में टूट गया. बट नाउ वी विल कम टू अ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज एक्टिविटी बेस्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, very important reaction, yeah, that is an activity based reaction. Questions can be asked any day, se questions puchi ja sakti hai. Okay, kyunki jo reaction main abhi zikr karunga beta usse questions 4 ya 5 saal pehle puchi gayi, 2015 ke baad ye question repeat nahi hua hai. So chances hai ki ye question 2000 matlab is saal ya aane wale saal mein repeat ho jab aapka exam. To aim kya hai is reaction ka, dekhiyega, to demonstrate, bahut important hai, to decomposition of ferrous sulfate dot 7H2O. This is known as green vitriol. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, green vitriol. हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, decomposition of ferrous sulfate dot 7H2O. मेटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या है, मैं नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मेटेरियल्स में साथ में दिखाऊंगा आप लोगों को क्या चाहिए.
प्रोसीडियर देख लीजिए, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा इस प्रोसीडियर। इस रिएक्शन को जो हम लोग करते हैं तो हम लोग कहते हैं एक बंसन बर्नर। ओके, इस बंसन बर्नर के सामने हम लगाएंगे एक एस क्यूब। ओके, हाथ से पकड़ लिया। आप देखो ध्यान से, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। ये जो है बंसन बर्नर से हम इसको हीट करते हैं और इसमें मैं लूंगा क्या, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल FeSO4.7H2O के क्रिस्टल लेंगे। ओके, FeSO4.7H2O का क्रिस्टल लेना है। अब इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। बेटा जब आप इसको हीट करोगे, बस यही हो गई प्रोसीडियर। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री क्वेश्चन लेना है कि देखो आपको इधर रहना है, ना तो आप अपने साइड रखोगे ना तो अपने फ्रेंड के साइड रखोगे, क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ पॉइजनस गैसेस निकलते हैं जिससे आपको सफोकेशन हो सकता है और आप बेहोश हो सकते हैं। ठीक है ना, तो टेस्ट ट्यूब का माउथ क्या रहना चाहिए, आपसे और आपके फ्रेंड से दूर रहना चाहिए। ओके, तो प्रिक्वेशन मैं लिखूंगा इज इंपॉर्टेंट। माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे from yourself and your friend, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि अपने से दूर के चलते हैं जो suffocating है। लिख दो यहाँ पे साथ में suffocating gas has emitted is evolved। ओके, अब देखिएगा रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑब्जर्वेशन। बेटा ऑब्जर्वेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक रिएक्शन में, तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन पार्ट सबसे पहले देखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ध्यान से देखो बेटा। आप रिएक्शन को जैसे ही स्टार्ट करते हो, ओके, सम वाटर ड्रॉपलेट्स are some water droplets are observed at the mouth of test tube. देखो क्या हो रहा था, FeSO4.7H2O है। जैसे ही ये हीट करते हैं, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ओके, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे निकल जाता है और ये वेपर्स बनके निकलता है। ओके, वेपर बनके जाता है ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, ठंडा है ना टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के इस कॉर्नर पे क्या होता है, जाके वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाती है। ये तो वेपर बनके निकला, ये जो 7H2O है टूट गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पानी गया ऊपर और वेपर बनके ऊपर गया, ऊपर पे क्या है, ठंडा ठंडा है, तो वहां पे कंडेंस हो जाएगा। Water droplets, ठीक है, some water droplets are observed at the mouth of the test tube. Reddish brown substance Fe2O3 is formed. देखो, एक रिएक्शन होने के बाद एक रेडिश ब्राउन कलर की सब्सटेंस निकलती है। सल्फर इज वर्ड
ओके स्मेल ऑफ सल्फर वाला गैस इससे निकलता है तो ये देखो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 2 3 तीन ऑब्जर्वेशन कुछ वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं वो कहां कंडेंस करता है जाके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे कंडेंस करता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो वाटर ड्रॉपलेट दिखी वाले और वो कंडेंस करके ऊपर जाके रेडिश ब्राउन सब्सटेंस Fe2O3 का बनता है और गैस विद स्मेल ऑफ सल्फर इज फॉर्म अब देखो क्या होता है रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस को देखे जाते हैं रिएक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखना है सबसे पहला रिएक्शन होता है FeSO4.7H2O जब आप हीट करते हो तो मिलता है FeSO4.7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है निकल जाता है बाहर हो जाता है ओके फिर क्या होता है FeSO4 को जब फर्दर हीट किया जाता है फर्दर हीट किया जाता है तो इट फॉर्म्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ओके SO2 और SO3 निकलती है अंडरस्टूड बेटा तो ये वाली जो है सल्फर डाइऑक्साइड यही सल्फर डाइऑक्साइड मैं लिख देता हूँ इट इज नॉट रहता है पंजेंट स्मेल रहता है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड बेटा ये जो नीचे भी लिखा हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड दिख रहा है क्या आपको SO3 यस सर अच्छा ठीक है तो रिएक्शन क्लियर है बैलेंसिंग पार्ट आप घर में कर सकते हो ओके बैलेंसिंग प्लीज कर लेना अंडरस्टूड तो देखो रिएक्शन को आप ध्यान से सुन लो क्या होता है पहले जैसे ही हम ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं क्रिस्टल्स होता है क्रिस्टल मतलब छोटा-छोटा टुकड़ा-टुकड़ा रहेगा ग्लास हीट करते हैं तो ये क्रिस्टल्स फूट जाते हैं क्रिस्टल्स से पानी निकल जाती है पानी ऊपर में जाके लगती है और जैसे ही पानी निकल जाता है वो ग्रीन कलर हो जाता है व्हाइट कलर और हीट करते हो तो FeSO4 टूटता है और बनता है Fe2O3 जो रेडिश ब्राउन है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ठीक है ना मुझे सिंबल लिखने की जरूरत नहीं देखो ये वाली सॉलिड होती है दिस वन इज सॉलिड ठीक है दिस वन इज सॉलिड तो बेटा इमेज एक काम करते हैं हम लोग बाद में देख लेते हैं पर दिमाग में आप लोग ट्राई करना है एक चीज कि गूगल आउट घर जाना गूगल आउट करना कि एक क्रिस्टल्स जो है कैसे दिखते हैं ठीक है ना गूगल आउट इस तरह से देख सकते हो कैसे होते हैं ओके और Fe2O3 की कैसे क्रिस्टल होती है नॉर्मली यदि आप देखना चाहते हो Fe2O3 जो बनेगा ना वो कुछ कुछ इस प्रकार ऐसा रहेगा Fe2O3 Understood? और यदि बात करो FeSO4 का तो वो ग्रीन कलर के है ऐसा ये कुछ ऐसा इनका क्रिस्टल इस टाइप का ग्रीन कलर का क्रिस्टल रहेगा बट आई विल टेल यू कि आप एक बार प्लीज उनके कलर को गूगल आउट करके देखने का कोशिश करें फाइन तो आई सपोज ये आइडिया आपके साथ क्लियर होगी वो यदि दिक्कत है तो आप उनसे पूछ सकते इस एक्सपेरिमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है एनीबडी ये कौन बच्चा है जिसका माइक ऑन है कौन है क्या नाम है इसका ओके चलिए हम लोग आगे देखते हैं Understood? Next activity हम लोग देखने वाले हैं aim है इस activity की okay ध्यान से देखिए कि activity aim है okay the aim of the activity is to demonstrate the reaction of
देखो ये तो डिकम्पोजिशन में नहीं आएगा, पर मैं चलो डिकम्पोजिशन पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर वो टू डेमोंस्ट्रेट द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट देखना बेटा, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, ये जो कौन है दीक्षा बेटा, आपको माइक ऑन बेटा। और दीक्षा आप तो स्टैंडर्ड 11th में आ गए हो, 10th के बैच में क्यों एंटर कर रहे हो? टू डेमोंस्ट्रेट द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, हम लोगों को क्या देखना है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट देखना। प्रोसीडियर टाइप की, ओके प्रोसीडियर में क्या होगा ध्यान से देखो, आपको क्या करना है फिर उसी प्रकार एक बंसन बर्तन लेना है और खुद भी जहां पे बंसन बर्तन जिस लेयर के वहां पे आप खड़े हो, ओके, और अपने हाथों से एक टेस्ट ट्यूब को पकड़ लो, थोड़ा सा लंबा हाथ है आपका, पकड़ लो इसको, करेक्ट इतना लंबा हाथ है आपको, पकड़ो अपने हाथ से, ठीक है, और इसमें क्या है लेड नाइट्रेट, इसमें है आंख की है, इसमें क्या लिया मैंने लेड नाइट्रेट लिया, क्या लिया लेड नाइट्रेट लिया, ओके। और लेड नाइट्रेट को हम लोगों को क्या करना है, हीट करना है, फिर हम लोगों को देखना है क्या क्या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑब्जर्वेशन को पहले देख लो यहां से, व्हाइट कलर ऑफ चेंजेस टू येलो कलर, ओके, कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। नंबर टू ऑफ ऑब्जर्वेशन आर रेडिश ब्राउन गैसेस, एक रेडिश ब्राउन गैस बाहर निकलती है ऑब्जर्वेशन, और एक है एक बर्निंग स्प्लिंटर, यदि क्या है बर्न्स ब्राइटली, ठीक है, एक बर्निंग स्प्लिंटर यदि लाओगे तो ब्राइटली बर्न करने लगेगी, ठीक है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, बर्निंग मतलब एक स्प्लिंटर है वो रिकिंडल हो जाती है, फिर से चलने लगती है, स्प्लिंटर लाओ, ओके, जो मतलब झाड़ू का काटी होता है ना उसको हल्का सा तुम जला लो फूक दो और फिर लाना उसके सामने, तो फिर वो जलने लगेगी, क्यों जलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया उसको, जलने लगेगी। तो इसको लिखो बर्निंग स्प्लिंटर रिकिंडल्स, वापस बर्निंग से ज्यादा होता है बेटा ग्लोइंग, बर्निंग है तो मतलब जल ही रहा है, ग्लोइंग स्प्लिंटर का ग्लोइंग समझ रहे हो, मतलब कि झाड़ू का काठी जो है ग्लो कर रहा है, उसमें आग बुझा हुआ है पर ग्लो कर रहा है हल्का सा आग, पर आप लाओगे तो वो जलने लगेगा, क्यों जलने लगेगा, हो सकता है कोई ऑक्सीजन कम नहीं है उसमें। तो हम लोग चलो देखते हैं कि क्या होती है बेसिकली रिएक्शन, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल्ड ट्वाइस को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है, PbO प्लस NO2 प्लस, और ये वाला जो है येलो कलर जो होता है ये PbO का होता है, ये PbO येलो कलर होती है, येलो
This is reddish brown. Understood? Or oxygen supporter of combustion. Give it up. Oxygen is supporter of combustion. Understood? तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए. बट तो दिस आइडिया शुड बी क्वाइट क्लियर टू यू कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रही है. लेड नाइट्राइड को हम हीट किए, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना. और लेड ऑक्साइड क्या है? येलो कलर का है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन है. और ऑक्सीजन क्या होती है? सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग वाला पार्ट आप कर लेना. ये भी सॉलिड अर्थ है. दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैसी बॉडी, दिस इज आल्सो गैसी. ठीक है ना? आई सपोज आपको ये आइडिया क्लियर हो. ठीक है, कोई दिक्कत है तो कुछ भी डाउट, कोई प्रिक्वेशन कुछ ज्यादा कुछ लेना नहीं, ये हैंडल इट केयरफुली. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम इट? नो, शैल आई मूव? चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, तो ये तो हुई एक एक्टिविटी जहां पे हम लोगों ने फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन देखा और लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देखा. और एक डीप हम लोग को इंपॉर्टेंट देखना है. देखिएगा ध्यान से, इसमें एम इज डेमोन्स्ट्रेट डिकम्पोजिशन ऑफ. बेटे इसको देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो दो डिकम्पोजिशन देखा, फर्स्ट टाइप ऑफ और सेकेंड टाइप ऑफ जो डिकम्पोजिशन हमने देखा, इट वाज थर्मल डिकम्पोजिशन. कौन से डिकम्पोजिशन थी? थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? डिकम्पोजिशन ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस done by heating it. ठीक है ना? हम लोग जो decomposition heat करके करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे thermal decomposition. ठीक है ना? Decomposition of a substance by heating it is known as thermal decomposition. Next decomposition हम लोगों को देखना है, that is photolytic decomposition. Okay, we will see photolytic decomposition. देखो बेटा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगी? डिकम्पोजिशन डन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. जो डिकम्पोजिशन को लाइट के प्रेजेंस में किया जाता है उसे बोला जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ओके, अब चलो मैं एम वेम नहीं लिखता हूं, एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ डिपेट कर देता हूं. AgCl. ओके, AgCl क्या होती है? AgCl इज व्हाइट. इसकी कलर क्या होती है? व्हाइट. आप यदि इसे लाइट में रखोगे, सनलाइट में रखोगे, तो Ag क्या होता है? ग्रे कलर का होता है. और क्लोरीन गैस क्या होती है? ओके, आइडिया क्लियर है बेटा आपको? तो दिस इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. और हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी होता है. इसको एक्चुअली हम लोग देखोगे कि आप लोगों के लैब, मतलब स्कूल में भी रखा जाता है, कि इससे कोई जग में लग जाता है तो उसको साफ किया जाता है. ठीक है ना? हाइड्रोजन परऑक्साइड. बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, फिलहाल इसकी यूज एज अ, मतलब जो घाव साफ करने के लिए इस पर रोक लगा हुआ है. एक्चुअली द रीजन इज कि रिसर्च में पाया गया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है न्यू कुंड्स को, जो नए कुंड होते हैं उसके सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान करता है.
उंड बन जब तुरंत आपको चोट लगा फिर उसके बाद जो नए सेल्स बनते हैं उसको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड यदि आप लोग को चोट वोट लगने पर लगाया जाता है तो अवॉइड करना क्योंकि इसके यूज पे रोक लग गया। ओके, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आप देखोगे कि नॉर्मली इन सबको कलर्ड वाटर में रखा जाता है। कलर्ड वाटर में इसलिए प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि सलाइड के प्रेजेंस में ये टूट जाएगा। ओके, इट विल ब्रेक इनटू H2O प्लस। ठीक है ना, इट इज केप्ट इन कलर्ड वाटर। ओके बेटा, तो कोई दिक्कत आप लोगों को ये दो टाइप के डिकम्पोजिशन में? I suppose no. One type of decomposition or rare case that decomposition is electrolytic decomposition. जो हम लोग water की electrolysis देखेंगे और आज तो समय थोड़ा कम है, आज मैं electrolysis वाले start नहीं कर सकता। Obviously next class में मैं start करूँगा, तो इसमें कोई doubt है तो आप उसे पूछ लो, मैं erase कर दूँ। Okay. उससे पहले आपके सामने एक छोटा सा एक्टिविटी मैं कर देता हूँ और ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी है जो मैं मिस कर गया था वहां पे, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि तो इसके ऑब्जर्वेशन थोड़े इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए बेसिकली क्या होता है, एक मैं लिख नहीं रहा हूँ एम वे, ठीक है ना, एम नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते। एक कंटेनर में आपको क्या लेना है, पानी लेना है, टेक वाटर इन अ कंटेनर। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड की परत डालना है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड इसमें आपको डालना है। गॉट इट, तो दिस इज क्विक लाइम। क्विक लाइम को मैंने डाला कहां, पानी में डाला। तो रिएक्शन तो मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूं, रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड इन दिस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आपके साथ जिक्र हो चुकी। ओके, दिस वन इज डिस्कस्ड विद यू। जो चीज देखना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इज हाईली विगरस, ओके, एंड एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इस रिएक्शन इज वेरी फास्ट और बहुत ज्यादा हीट निकलती है इस रिएक्शन। ठीक है ना, हिजिंग साउंड एंड बबल्स आर सीन इन आर ऑब्जर्व। जब इस रिएक्शन करोगे तो देखिए हिजिंग साउंड आएगी करके, ऐसा साउंड आता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं। थर्ड वन इज द वाटर स्टार्ट्स जो पानी है वो क्या होता है, बॉइल करना शुरू करता है। ओके बेटा, ये आपको दिमाग में रखना है। ये तीन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिएक्शन का कंक्लूजन पूछा जाए तो कंक्लूजन तो आराम से लिख सकते हो। कंक्लूजन क्या होगा इस रिएक्शन का, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, मैंने बता दिया आप लोगों को, और इसको बोलते हैं हम लोग स्लेक लाइम, दिस वन इज। ओके, तो ये वाली पार्ट हुई आज की। आपको बड़ा फर्दर यदि इसमें पूछना है तो आप उसे पूछ सकते हो, नहीं तो We will discuss it in the next class. Okay, बेटा? तो दिक्कत है क्या यहाँ पे? No? Okay, fine. So thank you for today. Meet you in the next class. Thank you.